एवरीवन, मैं निकल चुकी हूँ एक सफ़रनामे पे, तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। ये स्टेशन का नाम देखकर शायद आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। यस, मैं आई हुई हूँ बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, तो चलिए आप भी मेरे साथ बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन मेरे साथ करिए। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही आप स्टेशन के बाहर आओगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑटोज़ या व्हीकल मिल जाएंगे जो यहाँ से लेकर टू खाटू श्याम जी टेम्पल 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक व्हीकल लिया। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो खाटू श्याम जी एक बहुत ज़्यादा विख्यात मंदिर है राजस्थान के शिखर ज़िले में। यहाँ पे श्रद्धालुगण बहुत ही भारी संख्या में आते हैं, खासकर तब जब यहाँ पे फागुन के महीने में लखी मेला लगता है। तो अब हम भी पहुँच गए, ये भी मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट है, तो मैं भी आई हूँ बाबा के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं एंड बाबा के दर्शन करते हैं। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण के कई नामों से भी कलयुग में जाना जाता है। तो चलिए हम भी अपने खाटू श्याम जी के सफ़र में निकल चुके हैं और आप भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो चलिए चलते हैं एंड दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी। तो पहुंच गए हम और ये मुख्य द्वार है श्री खाटू श्याम जी का। यहाँ से लोग पदयात्रा कर अंदर खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में कोई भी प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, बट हम अपने श्रद्धा से प्रसाद खरीदते हैं और उन पर अर्पण करते हैं। उनका प्रसाद भी बहुत अलग तरीके का है। जैसे ये तो पेड़े रखे हुए हैं, ये जो प्रसाद है ये उनका प्रसाद होता है, ये चढ़ाया जाता है। बाबा खाटू श्याम जी के मंदिर के प्रसाद की बात की जाए तो ये ब्राउन कलर का जो है ये उनका प्रसाद के माना जाता है, ये उनका प्रसाद होता है। तो ये मैंने ले लिया है और अब मैं चलूँगी आगे उनको उनका चढ़ावा चढ़ाने के लिए। जबकि पूरे मंदिर में अगर देखा जाए तो कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता है, ये अपनी श्रद्धा से हम लेते हैं। आगे आगे जैसे जाओगे मतलब इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ी रहेगी ना कि आपको देखकर भी इतना ज़्यादा अपने ही दिल में आक्रोश आ जाएगा कि इतनी खुशी से आप आगे बढ़ते जाओगे। रास्ता आई थिंक 3-4 किलोमीटर आ गया है, बट इतना चलने के बाद भी आपको थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है कि आप इतना ज़्यादा चल के जाते हो, क्योंकि एक अलग सी खुशी होती है आपस में। सो धीरे धीरे करके हम आगे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब मैं दबते दबाते आई हूँ। तो ये प्रवेश द्वार था मंदिर का जिससे मैंने एंट्रेंस ली। तो अंदर अंदर जाते जाओगे आप तो यहाँ पे आपको प्राचीन कुंड का मीन्स प्राचीन श्याम कुंड का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे बोर्ड है अंदर, उसके नीचे प्राचीन श्याम कुंड है। तो नीचे जाने के बाद इधर कुंड इस साइड तो नहीं है, इसके ऑपोजिट में है, बट देन यहाँ पे भी नीचे पूजा हो रही थी तो मैंने सोचा चलो क्यों ना यहाँ भी प्रार्थना कर ली जाए। तो यहाँ पे प्रार्थना करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको तो इसके बैक साइड आपको मिल जाएगा कुंड। तो ये रहा हमारा, ये श्री श्याम बाबा का कुंड है। यहाँ पे लोग स्नान करते हैं एंड देन यहाँ पे चेंज अप करके फिर मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। सो ये पूरा कुंड सर्कुलर वे में बना हुआ है एंड रियली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब मैंने कैमरा को रोल अप किया ना, तो रियली ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा था। एंड देन फिर मैंने भी यहाँ पे स्नान किया। सच में कुंड में स्नान करने के बाद एक अलग सी शांति मुझे मिली, पता नहीं क्या थी वो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब चेंज अप करने के बाद निकली मैं सीधा मेन मंदिर के लिए। तो ये मेन मंदिर का गेट है, ठीक है। ये मेन मंदिर के गेट पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आज एकादशी है कि आज का दिन, एंड देन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना और लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगा रहे थे, बट फाइनली मौका मिला बाबा के दरबार में आने का। तो चलिए चलते हैं एंड करवाते हैं आपके दर्शन भी। वास्तव में खाटू श्याम जी का नाम बर्बरीक है। खाटू श्याम जी घटोरकच के बेटे थे एंड पांडव पुत्र भीम के पोते थे। उनका जब जन्म हुआ था ना तो उनके हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली थे, बिल्कुल एक शेर की तरह। कलयुग में उन्हें श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है और वो श्री कृष्ण के कई नामों से भी विख्यात है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया हुआ था कि कलयुग में उन्हें श्री कृष्ण के कई सारे नामों से जाना जाएगा। तो हम पहुंच चुके हैं श्री खाटू श्याम जी के मुख्य प्रवेश द्वार पे एंड
यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ से आप देखो लोगों की संख्याएं कितनी ज़्यादा है, सारे श्रद्धालुगण कितनी उत्साह से बाबा के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार में प्रवेश करिएगा तो यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी एकदम प्रोहिबिटेड है, एकदम मना करते हैं ये फ़ोटो खींचने के लिए। तो बाबा के दर्शन के लिए आपको खुद यहाँ पे चल के आना पड़ेगा, तो ही बाबा आपको दर्शन देंगे, वरना नहीं देंगे। तो चलिए मैं दर्शन कर लेती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे आगे। तो फाइनली मैंने तो दर्शन कर लिया खाटू श्याम बाबा का। बाहर आप श्रद्धालुओं की भीड़ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी हुई है, एंड देन लोग कितनी श्रद्धा से बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। आई होप आपको मेरा खाटू श्याम जी का व्लॉग पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल बटन, तभी आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सेफ रहें एंड एक बार जयकारा लगाएं बाबा का, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। एक बार जोर से, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय बाबा खाटू श्याम जी की जय।